हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कोई वीडियो या कुछ भी कट करते हो तो उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, यानी कोई वीडियो डिलीट करना चाहते हैं टाइमलाइन से आप डिलीट कर सकते हैं, किस तरह करेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। और एक बात और याद रखें, यहाँ पे टाइमलाइन आपको जो नज़र आ रही है ये टाइमलाइन व्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आपके बाई डिफॉल्ट आपके पास ऐसे नज़र आए तो आप यहाँ से आके इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे टाइमलाइन व्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे ये ले आए, ठीक है। तो अब मैं अपने कंप्यूटर से एक गाना ले गया था, उसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ कंप्यूटर पे रख के आपने करना है, ये देखें यहाँ कंप्यूटर पे, और यहाँ पे सॉन्ग मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वीडियो सॉन्ग्स मुझा पंजाबी, ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने का मसला ना बने। इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये कह रहा है कि इम्पोर्ट ओनली करो, मैं कहता हूँ करो इम्पोर्ट ओनली करो, कुछ भी ना छेड़छाड़ करो इसके साथ। अब ये देखें जी आ गया, इसको मैं अलहदा भी कर लेता हूँ, देखें अभी ये इकट्ठा है, इसको मैं पहले अलहदा करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ, ये अनग्रुप का बटन है यहाँ पे, ये संगली का निशान देख रहे हो हाइपरलिंक का, आपने ऐसा देखा होगा, इसको अनग्रुप कर दिया मैंने, अभी देखें अलहदा अलहदा हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे किया जाए, एक तो तरीका यह है, इसको मैं कट भी कर लेता हूँ, मैं कर्सर यहाँ पे रख के इसके पीसेस कर लेता हूँ, ये देखें कट का ब्लेड का निशान है यहाँ पे, आप देखें कट, ये देखें अलहदा हो गया, ये वीडियो अलहदा नहीं हुई, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो कट होगा। अब ये देखें ये अलहदा, अब मैं कर्सर को यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑडियो को यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, ऑडियो कट हो जाएगा, ब्लेड का निशान है कट, ठीक है, दो पीसेस में आ गया। अब मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, जिसको सेलेक्ट करेंगे वही होगा कट होगा, देखें कट हो गया। अब मसला ये है कि जिस पीस को आप, जिस वीडियो क्लिप को आप जो कट करते हैं उसको डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करें, उसको ऐसे सेलेक्ट करें, यहाँ पे ये देखें डिलीट का बटन है, ये ज़रब का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, ये देख सकते हो, करें देखें डिलीट हो रहा है, इसको भी सिलेक्ट किया डिलीट, उसको सिलेक्ट करें डिलीट, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ देखें डिलीट ऑब्जेक्ट, इसको डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन या डेल का बटन प्रेस करें तो फिर भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करें डिलीट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और ये जो निशान है इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये देखें ये निशान है मल्टीप्लाई का, इसको डिलीट करें, अगर गलती से हो जाता है तो देखें कंट्रोल जेड करें वापस आ जाएगा, तो मैं वापस सारा ले करता हूँ, देखें एक दफ़ा फिर बता दूँ, ये डिलीट का निशान है मल्टीप्लाई का, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करके भी डिलीट करें, डिलीट ऑब्जेक्ट, इसको देखें अपने कीबोर्ड से भी डिलीट डेल का बटन प्रेस करें या डिलीट का बटन प्रेस करें तो देखें डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको डिलीट करना आ गया होगा समझ, आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं कट छोटे पीसेज में हो तो फिर भी आप अपनी टाइमलाइन से उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई मसला परेशानी हो मेरी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी कोशिश होगी आपको उसका रिप्लाई किया जाए, आपके मैसेज का जवाब दिया जाए। और आने वाले वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि जब मैं कोई वीडियो आपको अपनी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगा और आप उस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।